तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा नारियल जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक बड़ा गीला नारियल जिसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए और उसका ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। आप अगर चाहे तो इसे वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो छिलका है उसे निकालने की वजह से ये पूरा के पूरा सफेद होता है और ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा गीला नारियल जिसके कद्दूकस कर लिया है, आप अगर चाहे तो मिक्सी में भी चला सकते हैं। इतने गीले नारियल के लिए मैंने ली है आधा कप मलाई जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। मिल्कमेड ले लेंगे हम 4 से 5 टीस्पून मिल्कमेड और चीनी, आप अगर चाहे तो सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं। तो चीनी ली है मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून, यहाँ पे हम मिल्कमेड यूज कर रहे हैं और चीनी भी यूज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। घी ले लिया है देसी घी, यहाँ पे हम जो मिठाई बनाएंगे वो देसी घी में बनाएंगे, हमारी जो बर्फी है वो बनेगी देसी घी में। इलायची पाउडर 1 से 2 पिंच। गार्निश के लिए मैंने लिया है 4 से 5 पिस्ता जिसे हमें काटकर और बर्फी पे गार्निश कर देंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी की सारी सामग्री देख ली है, अब जल्दी से चलते हैं हमारी नारियल बर्फी बनाने की तरफ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो चुका है हमारा, अब हम इसमें घी डाल देंगे। देसी घी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए मैंने घी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो नारियल हमने पहले ही कद्दूकस करके रख दिया था वो, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है नारियल। तो ये मैंने इसमें नारियल डाल दिया है, इसे चला देंगे और इसे चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट तक के भून लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए हमें हल्का सा इसे भून लेना है। हमें बस इसलिए भूनना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, इसका जो पानी है वो सूख जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई, मैंने मलाई पहले ही फेंट के रख दी थी, तो ये डाल देंगे इसमें और इसे चला देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है हमें, लो फ्लेम पे ही हमें ये अच्छे से बना लेना है। मिक्स कर लेंगे इसे। नारियल को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है ताकि हमारी जो बर्फी है वो दिखने में ऐसे ही वाइट दिखे। अब हमें इसे चलाते हुए तब तक के पका लेना है जब तक कि हमारी जो मलाई है वो हल्की सी सूख नहीं जाती और उसमें हमारा नारियल अच्छे से पक नहीं जाता। तो 1 से 2 मिनट तक के इसे पका लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नारियल इसमें अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्कमेड। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून मिल्कमेड डाल दूंगी। तो देखिए मैंने मिल्कमेड डाल दिया है इसमें, चला देंगे इसे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर दिया मैंने इसको। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो यहाँ पे चीनी डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिला देंगे इसे अभी। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये अच्छे से सूख चुका है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसकी बर्फी बना लेंगे, तो चलिए इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा मिश्रण मैंने एक थाली में निकाल लिया है, इसे मैंने पहले ही चिकनाई के लिए घी लगा दिया था और इसे अब हम दबाते हुए इसे सेट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे सेट होने के लिए एक थाली में निकाल लिया है और इसे सेट कर दिया है। इसे मैंने चौकोन शेप में काटा है, इसे मैंने स्क्वायर शेप में काटा है और एक पिस्ते के साथ में इसे गार्निश कर दिया है। आप इसे जैसे चाहे वैसे अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हैं और इसे जैसे गार्निश करना चाहते हैं वैसे इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये अब सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसे सर्विंग डिश में सर्व कर देंगे। सकते हैं हमारी जो बर्फी है अच्छे से सेट हो चुकी है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। इसे मैंने एक एक पिस्ता के साथ में, पिस्ता स्लाइस के साथ में गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट कुक हुई है। तो ये हमारी आज की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी तैयार है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी से बन भी जाती है। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।